आज मैं आपको वे बातें बहुत संक्षेप में बताता हूं जिनका फॉल्स एलिगेशन लगाए जाने से पहले ध्यान रखा जाना चाहिए। झूठा आरोप लगने से पहले का मतलब यह नहीं है कि हमें सदैव पता होता है कि कब एक झूठा आरोप लगने वाला है। हाँ, लेकिन ब्रेकअप तथा एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर्स जैसे कई हालातों में पता लग जाता है कि कब झूठा आरोप लगने वाला है, तो आपको उससे बचने के लिए कुछ कदम अवश्य उठाए जाने चाहिए। और यह टॉपिक लेने का एक उद्देश्य है, उद्देश्य यह है कि पिछले एक महीने में मेरे पास कम से कम 17-18 मामले ऐसे आए हैं जिनमें पुरुषों ने अपने हालात बताते हुए यह पूछा है कि अब आगे क्या करें ताकि उनके खिलाफ केस आगे दर्ज ना हो। यह हालात उन परिस्थितियों में होता है जहां पुरुष महिला दोनों एक समय पर दोस्त होते हैं और कुछ समय बाद वह स्थिति आ जाती है जिससे पुरुषों की और महिलाओं की दोनों की भाषा में ब्रेकअप कहा जाता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी ऐसा ही होता है। सीमाएं केवल जिस्मानी लेवल पर ही नहीं लांघी जाती हैं, बल्कि दोनों पार्टनर्स और उनमें से कोई एक दूसरे पार्टनर पर ऐसे हक करने लगता है कि दूसरे का वैवाहिक जीवन खतरे में आ जाता है, उसका सामाजिक जीवन खतरे में आ जाता है, तब उसे भी ब्रेकअप और उसके आफ्टर इफेक्ट्स मिलने लगते हैं। किन्हीं भी दो व्यक्तियों के बीच में प्री मैरिटल, एक्स्ट्रा मैरिटल और ट्रांस मैरिटल लव अफेयर्स में ब्रेकअप हो जाना या ना हो जाना एक इमोशनल इशू है, कंपेटेबिलिटी का मामला है। लेकिन जब यह होता है तो दोनों तरफ दर्द की लहर दौड़ जाती है। उस क्षण में अपनी व्यथा दिखाई देती है, अपनी पीड़ा दिखाई देती है और दूसरे की गलती दिखाई देती है, उसका अपराध दिखाई देता है। खास तौर से महिला पक्ष इस इमोशनल इशू को एक लीगल इशू में परिवर्तित कर देता है। लीगल इशू में किए जाने वाले इस परिवर्तन के अपने आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, पुरुषों के लिए अलग होते हैं और महिलाओं के लिए अलग होते हैं। आजकल का कानून पुरुषों को तो कोई संरक्षण नहीं देता, लेकिन महिलाओं को प्रश्रय देता है, खास तौर से जब महिला के आरोप यौनाचार से संबंधित हो। कई बार पुरुष प्रश्न उठाते हैं कि पुलिस क्यों महिलाओं के सभी झूठे सच्चे आरोपों पर केस दर्ज कर देती है और क्यों पुरुषों द्वारा लगाए गए आरोपों पर कोई केस दर्ज नहीं होता है। इसका कारण है और ये कारण कानूनी है। आईपीसी में एक सेक्शन दिया गया है, सेक्शन 166A। यह स्क्रीन पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, पूरा सेक्शन दिखाया गया है। यह सेक्शन 2013 में पहली बार आईपीसी में शामिल किया गया था और 2018 में उसे संशोधित किया गया था। संशोधन के द्वारा उसे कुछ और कठोर बनाया गया था, वह सब स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो रोककर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एक से अधिक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि पूरे सेक्शन 166A का वर्जन आपके पास। आप इसे गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। इस सेक्शन के मुताबिक यदि कोई पुलिस अफसर महिला के उपरोक्त दिए गए आरोप पर केस दर्ज करने से इनकार करता है या कोताही करता है तो उसके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जा सकता है। इस इनकार या कोताही को सेक्शन 166A आईपीसी द्वारा एक अपराध बना दिया गया है। हालांकि अभी भी कुछ रणबांकुरों की कमी नहीं है। एक सप्ताह पहले पश्चिमी भारत के एक महानगर से एक मामला मेरे पास आया था जहां एक पीड़िता की ऐसी ही यौन प्रताड़ना की कंप्लेंट को एक लोकल पुलिस ने इसलिए दबा दिया था कि वह कंप्लेंट एक पुलिस अफसर के खिलाफ की गई थी। लेकिन ऐसे मामले अपवाद हैं, एक आध होते हैं, 100 में से एक आध होते हैं। सामान्यतः जैसे ही शिकायत आती है पुलिस अपना कदम एकदम से उठाती है और FIR दर्ज कर देती है। झूठे मामलों से, जब मैं कहता हूँ कि झूठे मामले दर्ज हो गए हैं, तो झूठे मामलों से मेरा आशय उन मामलों से है जिन्हें गुस्से में, अपमान में, बेवफाई में, लाभ पाने की इच्छा से, बदला लेने की इच्छा से, इन सब कारणों से या ऐसे ही अन्य कारणों से लगाया जाता है और जिनमें कोई वास्तविकता नहीं होती। ऐसे अनेक मामले हैं जहां आप थोड़ा प्रयास करें तो इसे टाला जा सकता है। कुछ कदम जरूरी हैं, लेकिन ध्यान रखें ये केवल इसी पॉइंट तक है जहां पर केस रजिस्टर नहीं हुआ हो। पहली बात, मामले को तूल ना दें, मामले को अपनी तरफ से तूल ना दें, मामले को ठंडा करें या करने की कोशिश करें। यदि पुरुष और महिला दोनों पुलिस के पास अपनी अपनी शिकायतें लेकर जाते हैं तो पुलिस महिला की ही सुनेगी और पुरुष के खिलाफ कार्रवाई की ही जाएगी, यह कानूनी बाध्यता है। दूसरी बात,
संपर्क को तत्काल खत्म कर दें। कोई संपर्क अपने उस नाराज हो गए साथी से ना रखें, कम से कम अभी तो बिल्कुल भी नहीं। संबंधों को सुधारने की कोशिश भी नहीं करें, क्योंकि वक्त से बड़ा मालूम कुछ दूसरा नहीं है। तत्काल जली जगह को चाहे कितने भी प्यार से सहलाएं तो भी चमड़ी छिल जाती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, कोई संबंधों को सुधारने की कोशिश नहीं, केवल दूरी, दूरी ही एकमात्र तरीका है। तीसरी बात, गुमनामी में चले जाएं। यदि कोई सॉल्यूशन काम नहीं कर रहा है तो कुछ समय के लिए या लंबे समय के लिए अज्ञातवास में, गुमनामी में कहीं चले जाएं, जहां उसे आपका कोई गुमान ना हो। हमने नागालैंड के एक युवक की ऐसी ही सहायता की थी, जब असम की एक महिला और उस युवक के संबंध काफी खराब हो गए थे। उस पुरुष को नागालैंड से दिल्ली शिफ्ट कर दिया था। आज वह युवक दिल्ली में खुशहाल है और महिला असम में शादी करके अपना परिवार देख रही है। दोनों खुश हैं, भविष्य बना रहे हैं। यह वीडियो इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। चौथी बात, कानूनी विवाद पैदा ना करें। अपनी तरफ से कोई शिकायत वगैरह करके चीजों को अधिक ना उलझाएं। महसाना का एक पुरुष था, 2 साल पहले मैंने उसे बहुत समझाया, यही सारी बातें जो अब इस वीडियो में बता रहा हूँ उसे भी बताई, परंतु उसे लगता था कि उसके पास बहुत ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, फोटोज हैं, पिक्स हैं, अपोलॉजी ऑफ द गर्ल भी है। महिला ने यह कहना शुरू कर दिया था कि उन दोनों की शादी हो चुकी है और अब पुरुष किसी और से शादी ना करे। मैंने उस युवक को समझाया कि आपकी समस्या का समाधान सिविल कानून द्वारा संभव है, मामला ठंडा होने दो, सिविल तरीके से कोर्ट में हल निकाल लेंगे। पुरुष को मेरी बात से लगा कि यह तो बूढ़ों की सलाह है जो ना खुद कुछ करते हैं और ना किसी को करने देते हैं। वह पुरुष वहीं के एक युवा एडवोकेट के पास गया, समस्या बताई, कंप्लेंट बनाई और जा पहुंचा थाने में। महिला पर एक्सटोर्शन, थ्रेटनिंग, इंटिमिडेशन और न जाने क्या क्या आरोप लगा दिए, साथ में वे सभी ऑडियो वीडियो क्लिप्स पिक्स सब लगा दिए। महिला के माता पिता को, महिला को बुलाया गया, उनसे पूछताछ हुई और महिला बहुत रुसवा महसूस करने लगी। 2.5 महीने पहले वह पुरुष फिर लौट कर आया, मुझे कहने लगा मुझे बचाओ, केस वगैरह सब दर्ज हो गए हैं और जिन रिकॉर्डिंग्स को, पिक्स को वह अपनी ताकत बता रहा था, आज उन्हीं को छिपाता घूम रहा है। दिमाग में यह क्लियर कर लीजिएगा कि एडवोकेट्स केवल आपके पास ही नहीं है, महिला के पास भी है, बल्कि उसके पास तो एडवोकेट्स के अलावा पुलिस है, लॉ है, कोर्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन है और ये सारे के सारे लोग इस समय आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। इसलिए बचें, कानूनी विवाद से बचें। 5वीं बात, अपने माता पिता को विवाद से दूर रखें। अपने माता पिता का नाम इन सब विवादों से बिल्कुल दूर रखें। यदि उनका नाम भी विवाद में खींच लिया गया तो आपकी परेशानी दुगनी हो जाएगी। धर्मपुर हिमाचल प्रदेश के पास एक जगह है सुबाथू, एक लोकल महिला की आर्मी अफसर के लड़के के साथ दोस्ती हो गई। जब वे दोनों ब्रेकअप के नजदीक पहुंचे तो महिला की बहुत सी शिकायतें थी जो वह लड़का हल नहीं कर पा रहा था। सो बात पुलिस तक पहुंच गई, आर्मी अफसर को यह बात नाक पर लग गई, जो उसका पिता था उसको यह बात नाक पर लगी। उन्होंने अपने बड़े भाई जो एक रिटायर्ड कर्नल थे उन्हें पुलिस के सीनियर अफसरों के पास भेजा कि कैसे इस लड़की की हिम्मत हो गई है कंप्लेंट करने की। रिटायर्ड कर्नल साहब सीनियर अफसर्स के पास पहुंचे, लेकिन वे सीनियर अफसर्स भी कुछ कम नहीं थे, उन्होंने कुछ नहीं सुना। आखिरकार रिटायर्ड कर्नल साहब को थाने में आना पड़ा। थाने में महिला के पिता के साथ ही SHO को भी उन्होंने अपने रुआब की कुछ बातें बताई, झाड़ भी लगाने की कोशिश की। शाम को महिला ने ताजा एलिगेशन लगा दिया और आज वह आर्मी अफसर का बेटा और उसका रिटायर्ड कर्नल ताऊ दोनों शिमला हाईकोर्ट के आसपास खूब घूमते हुए दिखाई देते हैं और उम्मीद है कि अभी कई सालों तक ऐसे ही और वहीं पर दिखाई देंगे। 6वीं बात, आपके सबूत उजागर हुए तो बेकार हो गए। आप समझ लें कि जो भी सबूत, पिक्स, रिकॉर्डिंग वगैरह आप लिए घूमते हैं, यदि आरोप लगाने वाली महिला को पहले ही इनका पता चल जाता है तो उसके आरोप को इस तरह आसानी से संशोधित किया जा सकता है, संशोधित करके लगाया जा सकता है कि जो आपको अपनी ताकत लग रही है वे सारे सबूत कल आपको अपनी एक लायबिलिटी लगने लगेंगे और आप उन तथाकथित सबूतों को छिपाने में लग जाएंगे। हम
अदालतों में रोज यह सब देखते हैं। दूसरी बात है कि अदालत केवल उन सबूतों को देखती है जो कानूनी संस्था के द्वारा, कोई भी कानूनी संस्था हो, फोरेंसिक्स हो, पुलिस हो, उनके द्वारा एक वेरीफाइड फॉर्म में अदालत के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। तो सवाल यह है कि जिन सबूतों को आप उठाए घूम रहे हैं उन्हें अदालतों तक कैसे पहुंचाया जाएगा, अदालत उन सबूतों को देखेगी कैसे? आप अदालत में गूगल मैप की लोकेशन तक को तो स्वीकार करवा नहीं पाते हो, तो अनवेरिफाइड रिकॉर्डिंग्स एंड पिक्स को कैसे साबित करोगे? यह जटिल प्रक्रिया है, केवल दक्ष एडवोकेट ही इसे सही रूप से करवा सकते हैं। व्हाट्सएप चैट का तो और भी बुरा हाल है, ऊपर से सेक्शन 65B इंडियन एविडेंस एक्ट भी तो है, उसकी शर्तों को भी तो पूरा करना जरूरी है। निष्कर्ष रूप में यही कहना चाहता हूं कि किसी भी महिला द्वारा यौन प्रताड़ना के आरोप से आपके ऊपर बहुत सी कही अनकही मुश्किलें आ पड़ेंगी, तो आपके द्वारा जानबूझकर ऐसे शिकायतों को अपने खिलाफ आमंत्रित करना विपदाओं को आमंत्रित करने के बराबर है। यह ऐसा है जैसे कि आप शहर के चौक पर खड़े हो जाएं और खड़े होकर जोर से चिल्लाएं, आबेल मुझे मार। तो ऐसे आरोपों को अपने खिलाफ आने से रोकने का भरसक प्रयास करें, खुद को बचाएं और सेफ रखें। फिल्मों में व नाटकों में एक ग्लैमराइज्ड कोर्ट एम्बियंस दिखाया जाता है, वास्तविकता में ऐसा ग्लैमराइज्ड कोर्ट कहीं नहीं होता। असलियत के अंदर कोर्ट्स में केवल जिल्लत होती है, रुसवाई, तारीखें, वकीलों की फीस, भागदौड़, भीड़, धक्का मुक्की, थकान, यही सब होता है, और इससे बचें, यह आपको विचलित कर देगा। हालांकि यदि इन कदमों से लाभ ना हो और शिकायत आ ही जाए या केस पहले से ही दर्ज हो चुका हो तो बचाव की ये तकनीकें बिल्कुल बदल जाती हैं। पहले जिन कदमों को हम उठाने से झिझक रहे थे अब उन्हें भी उठाया जा सकता है, बस आपके कदमों की जानकारियां आपके विपक्षी को नहीं होनी चाहिए। इन कदमों की जानकारी कुछ पुराने वीडियोस में मिलेगी जो इसी चैनल पर हमने दिए हैं, और ऐसा भी संभव है कि हम जल्दी ही एक नई अपडेटेड वीडियो आपके लिए लाएं और उसमें सभी कदमों की जानकारी दी जाए। हमारा उद्देश्य आपकी हिफाजत है, वह FIR से पहले और बाद, दोनों हालातों में हम यह हिफाजत करते हैं। इसमें मुख्यतः इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट शामिल होते हैं, तो यह पूरी प्रक्रिया अपने आप में बहुत जटिल होती है, आप स्वयं इसे नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप ऐसा करने से बचें और नए प्रयोग करके स्थिति को जटिलता प्रदान ना करें। इसके लिए आप किसी विश्वसनीय एडवोकेट की सहायता ही लें, देखें कि कौन इतने सक्षम है आपके आसपास, कौन इतने विश्वसनीय हैं जो एडवोकेट भी हैं और जो आपकी सहायता करने के लिए उपलब्ध भी हैं। अब आपसे आपकी बात, यदि आपके ऊपर भी फॉल्स एलिगेशन की, झूठे आरोप की तलवार लटक रही है तो हमें बताएं, हम आपको कानूनी राह सुझाएंगे। पूरे देश से हमारे पास सहायता की मांग आती है, फॉल्स एलिगेशन के आरोपियों से, उनके वकील साहिबान से ये मांग बार बार आती है, हम उनकी कानूनी समस्याएं सुलटाते हैं, आपकी भी सहायता करना हमारा फर्ज है और हम उस फर्ज को जरूर निभाएंगे। हमारी सभी उपलब्ध वीडियोस को देखिएगा, उनमें से हर एक में झूठे आरोप के खिलाफ कुछ ना कुछ युक्ति बताई गई है, आप उसे देखिएगा, समझिएगा, वह आपकी सहायता करेगी और आपको इस मुश्किल से पार दिलाएगी। बहुत सोच विचार करके समय ना गवाएं। कई बार हमने देखा है कि आरोपी सोच विचार करते रह गए हैं और प्रोसिक्यूटर्स के झूठे आरोपों पर सही से क्रॉस एग्जामिनेशन तक नहीं हो पाया है, बहुत से कानूनी नुकसान आरोपी को हो गए हैं, आप भी समय ना गवाएं। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिखाया गया है, हमसे संपर्क करें और हमारे मेंबर्स बनें। हमारा व्हाट्सएप नंबर सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस पर कॉल करें, इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई वीडियो छूट ना जाए। अगली वीडियोस में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए प्रणाम।